नीम एक बहुउद्देशीय औषधीय वृक्ष है। नीम के पत्ते, फल, छिलके के कई औषधीय उपयोग है। नीम के पेड़ की बहुलता को ध्यान में रखते हुए नागपुर नगर निगम को इस पेड़ की खेती और अगली पीढ़ी को इसके महत्व से अवगत कराने के उद्देश्य से नीम के पेड़ को राष्ट्रीय विरासत वृक्ष घोषित करना चाहिए। इसके अलावा ज्यादातर नीम के पेड़ नागपुर शहर में बनने वाले ऑक्सीजन जोन में लगाए जाएंगे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने हम सभी से अपील की है कि इस कार्य में पहल करें और नीम सहित उच्च ऑक्सीजन प्रदान करने वाले पेड़ लगाने और आगे आए। उन्होंने आगे कहा कि भारत पहले से ही एक समृद्ध राष्ट्र है। देश ने न केवल संस्कृति में बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में भी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आज हर कोई सतत विकास की बात कर रहा है, लेकिन सतत विकास हमारे देश की प्राचीन सभ्यता है। उन्होंने कहा, हमने पर्यावरण की भलाई के संदर्भ में दुनिया को पर्यावरण के सतत विकास को दिखाया है। पीपल का पेड़ दिन के 24 घंटों में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है। वृक्ष संरक्षण हमारी परंपरा है। प्राचीन काल में वृक्षों को वनों की कटाई को रोकने के लिए देवी देवताओं से जोड़ा जाता था। वट पूर्णिमा को वट के रूप में पूजा जाता है। वट अधिकतम ऑक्सीजन भी देता है। इसके अलावा नीम का महत्व कई है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर नागपुर शहर में 75 ऑक्सीजन जोन बनाए जाएंगे। इस ऑक्सीजन जोन में अधिक से अधिक बहुउद्देशीय नीम के पेड़ लगाए जाएंगे। नीम के महत्व को देखते हुए इस पेड़ को राष्ट्रीय विरासत वृक्ष घोषित करने का प्रस्ताव निगम हॉल में रखा गया था। इस प्रस्ताव का सुझाव सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे ने दिया था, जबकि इसे स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भोयर और नगर सेवक पिंटू छलके ने मंजूरी दी थी। केंद्र सरकार को पत्र जारी कर नगर निगम से अनुमोदन रिपोर्ट के साथ कडुनिम्बा को राष्ट्रीय विरासत वृक्ष के रूप में स्वीकृत करने की मांग की गई है। मेयर दयाशंकर तिवारी ने भी शहर के नागरिकों से इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और नीम की खेती और खेती के लिए पहल करने की अपील की है। नमस्कार। भारतवर्ष सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध राष्ट्र रहा है और इसकी समृद्धि केवल संस्कारों तक नहीं, केवल संस्कृति तक नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में आपकी संजीदगीपूर्ण उपस्थिति भारत के संस्कृति की रही है। मैं अगर उल्लेख करना चाहूँ तो एक शब्द आज के ज़माने में बहुत तेज़ी से चल रहा है और वो शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी पुरातन सभ्यता है। सर्वे सुखिना संतु, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यंतु, माँ का आश्चर्य दुग्ध भागवत। यह सबके लिए सुखी, सबके लिए समन्वय, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए समृद्धि, इसकी संकल्पना हम इसमें करते हैं। सर्व मंगल मंगल्य, सबके मांगल्य की संकल्पना हम लोग करते हैं और मांगल्य की संकल्पना करते समय पर्यावरण के बगैर ना कोई सुखी रह सकता है, ना किसी का मांगल्य चिरंतन रह सकता है। कर्ण सबको जीने के लिए आवश्यक है प्राणवायु। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब रशिया के पहले दौरे पर प्रधानमंत्री बनने के बाद गए तो रशिया के राष्ट्रपति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से निवेदन किया था कि मेरे यहाँ बर्फीले इलाकों में लगाने के लिए आपके भारत का पीपल का पेड़ लेकर के आइए। पीपल 24 घंटे में से 22 घंटे ऑक्सीजन देता है, मैं चाहता हूँ कि मेरे रशिया में लगे। और पंडित जी 10,000 पीपल के वृक्ष लेकर के गए थे। ये हमारी वृक्ष परंपरा है, संवर्धन है। हमने वृक्षों को भगवान के साथ इसलिए जोड़ा कि अगर उसमें भगवान का वास हम बताएंगे तो लोग वृक्षों को काटने से बचेंगे। परसों ही वट सावित्री हुई, अपने सौभाग्य के अक्षय रहने के लिए अक्षय वट की पूजा हमारी बहनों ने करी। इसी श्रृंखला में नीम एक महत्वपूर्ण भारतीय संस्कृति का पौधा है। हम पौराणिक तरीके से मानते हैं कि नीम में भगवती का निवास होता है। अब नीम में भगवती का निवास इसलिए होता है कि जब भी कष्ट के लिए व्यक्ति जाए तो हर कष्ट में सबसे पहले व्यक्ति जाता है अपनी माँ के पास में, और भगवती को हमने माँ का स्वरूप माना है, और माँ के पास सारी वस्तुओं का निराकरण होता है। नीम के पास भी सारी चीज़ों का निराकरण है। नीम की हवा से पर्यावरण शुद्ध होता है, नीम की पत्तियाँ औषधियों के काम आती हैं, नीम का जो फल होता है जिसे हम निबोड़ी कहते हैं उससे अनेक औषधियाँ बनती हैं। आजकल तो उससे साबुन वगैरह भी बनकर के आना तैयार हो गए। नीम से पेस्टिसाइड बनाने के दिशा में भी हमने काम आगे चालू कर दिया। भारत सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी नहीं होना चाहिए इसलिए नीम कोटेड यूरिया किसानों को देना चालू कर दिया। इतना ही नहीं, नीम की छाल भी उपयोग में आती है। नीम का ऐसा कोई भाग नहीं जो उपयोग में नहीं आता। किसानों के खेत में अगर नीम का पौधा है तो जो बैलगाड़ी चलाते समय बैलों के कंधे पर जो लकड़े का फल रखा जाता है
वह अगर नीम का रहा तो उससे किसी प्रकार की बीमारी बैलों के कंधों पर नहीं होती, इसलिए वह भी नीम का उपयोग करते हैं। यानी नीम सर्वाधिक औषधि युक्त वृक्ष है। मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी के साथ दैनिक भास्कर के एक कार्यक्रम में गया था और वहाँ नीम फाउंडेशन जो इंडिया का है उसके अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे। उन्होंने मुझे एक निवेदन दिया और निवेदन देकर के कहा कि नीम को हमारी राष्ट्रीय संपदा के रूप में मान्यता मिलना चाहिए, ऐसा पत्र महानगर पालिका ने भारत सरकार को भेजना चाहिए। अभी 3 दिन पहले महानगर पालिका की सभा हुई, उस सभा में इस प्रस्ताव को महानगर पालिका ने स्वीकृत किया और स्वीकृत करके राज्य भारत सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया। नीम हमारी राष्ट्रीय संपदा तो है, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भी पता चलना चाहिए कि नीम हमारी राष्ट्रीय संपदा है, इसलिए सरकारी तौर पर घोषित की जाए। ये मांग महानगर पालिका के माध्यम से हमने भारत सरकार को भेजी है। ये इसलिए भी आवश्यक है कि जब अटल जी भारत के प्रधानमंत्री बने तो बड़ी विचित्र स्थिति थी। मुरली मनोहर जी जोशी जो है ये उस समय मानव संसाधन मंत्री थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, नीम का पेटेंट अमेरिका, हल्दी का पेटेंट अमेरिका, च्यवनप्राश का पेटेंट जर्मनी। अब च्यवन ऋषि हिंदुस्तान में पैदा होकर के आंवले की महत्ता बताते हैं और पेटेंट जर्मनी कर लेता है और च्यवनप्राश से ब्रेन ट्यूमर का इलाज बताता है। लेकिन हमारी जो संपदा है उसको हम लोग प्रायोरिटी से अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित न करने के कारण भारत की इस संपदा पर अतिक्रमण होना प्रारंभ है। मुरली मनोहर जोशी जी ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लड़कर के नीम और हल्दी जैसे वृक्षों पर भारत का पेटेंट हासिल किया, च्यवनप्राश पर भारत का पेटेंट हासिल किया। दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, इस दृष्टि से ये राष्ट्रीय संपदा के रूप में घोषित करें, ये मांग हमने की है। आप लोग भी इस सहयोग कर में जुड़े। महानगर पालिका ने 75 ऑक्सीजन जोन बनाने का निर्णय लिया है, इसमें से कुछ ऑक्सीजन जोन तो 70% नीम के पेड़ों के साथ हम लोग बनाने जा रहे हैं। आप भी आगे आइए, नीम का रोपण कीजिए, पर्यावरण को शुद्ध कीजिए और एक औषधीय वृक्ष को अपने जीवन के अपने घर के समक्ष लगा करके उसका आनंद प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।